इतिहास के उन पन्नों को पलट लीजिए खड़गे साहब, और आपकी उम्मीद हसरत भरी निगाहें केवल एक ही है कि तेलुगु देशम और जनता दल युगर समर्थन कर देता 99 के चक्कर वाली पार्टी का, तब तो आप कहते बहुमत से सरकार चल रही है। लेकिन वह आपके नसीब में नहीं है। 2029 तक तड़पते रहिए, बेचैन रहिए, एनडीए की सरकार चलेगी। गांधी परिवार ने बड़ी उम्मीद के साथ आपको कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था, लेकिन राजनीतिक अपशकुन ऐसा हुआ कि 99 के चक्कर में पड़ गए। मात्र 99 सीट आया जब आदरणीय राहुल गांधी जी पदयात्रा पर निकले थे, जनता ने राजनीतिक पदयात्रा करा दिया। इतिहास के उन पन्नों को पलट लीजिए खड़गे साहब, क्या मनमोहन सिंह की सरकार राजनीतिक रूप से दिव्यांग थी? क्या नरसिम्हा राव की सरकार राजनीतिक रूप से दिव्यांग थी? अरे एनडीए की सरकार पर्याप्त बहुमत से चल रहा है, और आपकी उम्मीद हसरत भरी निगाहें केवल एक ही है कि तेलुगु देशम और जनता दल युगर समर्थन कर देता 99 के चक्कर वाली पार्टी का, तब तो आप कहते बहुमत से सरकार चल रही है। लेकिन वह आपके नसीब में नहीं है। 2029 तक तड़पते रहिए, बेचैन रहिए, एनडीए की सरकार चलेगी। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा है कि जहां जहां प्रधानमंत्री मोदी ने रोड शो की, रैली हुई, वहां हमें जीत मिली, इसलिए हम प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद देंगे, अपना कर्तव्य समझते हैं। आदरणीय शरद पवार जी एनसीपी प्रमुख हैं, जो वंशवादी राजनीति को भी स्थापित करना चाहते हैं, जिसमें असफल होते जा रहे हैं। अब महाराष्ट्र से बाहर निकले हैं कि नहीं? आप तो राष्ट्रीय व्यक्तित्व के व्यक्ति थे। तो ही पटना में पटना साहिब सीट पर रविशंकर प्रसाद जी के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने रोड शो किया और शानदार जीत हासिल हुआ। इसलिए हमको लगता है कि देश के भूगोल के बारे में आदरणीय शरद पवार जी को राजनीतिक मंतव्य देने के पहले अपना मंतव्य गठित करना चाहिए। और साथ ही साथ अब ये इन समीक्षाओं से कोई निदान नहीं निकलने वाला है, जनता ने आपको समीक्षा करके विपक्ष में बिठा दिया है। शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे का बयान आया है और कहा है कि ये जो सरकार बनी है ये मोदी की सरकार नहीं है, ये एनडीए सरकार, और ये सरकार ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। देखिए, उद्धव ठाकरे जी कोई संघर्ष के तो प्रतिफल है नहीं, ये तो वंशवादी राजनीति के एक उदाहरण है। ऐसे लोग जो बगैर संघर्ष के राजनीति में पहचान बना करके अपनी भविष्यवाणी करते हैं, तो हम समझते हैं कि इनके बयान को बहुत ही गंभीरता से लिया ही नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये केवल भूत अपना जानते थे। वर्तमान में वंशवादी राजनीति के लोग हैं और भविष्य तो ही जानते ही हैं कि वंशवाद के खिलाफ जनता का जनादेश है। तेजस्वी यादव ने अपने एक्स हैंडल पे पोस्ट किया और कहा है कि बिहार में जो बार बार नैरेटिव सेट करते थे, जंगल राज वापसी आ जाएगी, आज बिहार जल रहा है, अपराधी बेलगाम हो रहे हैं और कोई भी एनडीए का नेता बोलने को तैयार नहीं है। कौन नहीं बोलेगा? एनडीए के नेता कानून के राज के पक्षधर हैं, और आपराधिक घटनाओं के आधार पर अगर आदरणीय तेजस्वी यादव जी, आप तो पॉलिटिकल टूरिस्ट हैं ना, आप तो पर्यटन के मामले में पर्यटन कर रहे हैं, आप तो बिहार में आपका कम प्रवास हो रहा है, इसका आप राजनीतिक रूप से खौफ ज्यादा है। क्या बिहार की बेटियां घर से नहीं निकल रही है? क्या राष्ट्रीय जनता दल के विधायक शाम में ही श्राद्ध का भोज होता है, नहीं जा रहे हैं? क्या पटना का महावीर मंदिर 11 बजे दिन में खुल रहा है? क्या गंगा दशहरा में महिलाएं गंगा स्नान करने नहीं जाएंगी? क्या जो मेरिन ड्राइव है मुंबई के बाद, उस मेरिन ड्राइव पर तो अब आदमी नहीं जाता होगा 11 बजे रात के बाद, वहां तो मनुष्य जाता ही नहीं होगा। इसलिए आप जो बयान दे रहे हो उसके कौन नेता? आपने तो ऐसा बयान दे दिया, आपने बयान दे दिया कि खास जाति को टारगेट किया जा रहा है। क्या बोल रहे थे तेजस्वी यादव जी? वो आपस पट्टीदार का मामला था, दोनों के बीच जमीन का विवाद था, और उसमें ये दुखद घटना हुई। तो हत्यारा जो है वो भी उसी बिरादरी का है, मरने वाले उनकी मृत्यु जो हुई है वो भी उसी बिरादरी के है। अपराध की व्याख्या आप जाति पर करते हैं, ये तो विपक्ष के नेता के रूप में आपकी संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। हम आपसे अनुरोध करेंगे कि ट्वीट खाली मत करिए, जरा शरीर पर जोर डालिए, और अगर इस विपक्ष के नेता का कर्तव्य होता है
घटना स्थल पर जाना, लेकिन आप तो ट्विटर बबुआ बने हुए हैं, इसीलिए जनता ने आपको क्विट कर दिया। नीट परीक्षा को लेकर लगातार छात्रों में आक्रोश देखने को मिल रहा है, सॉल्वर गैंग भी पकड़े गए हैं, जिसमें 13 अभ्यर्थियों के एग्जाम से पूर्व उन्हें एग्जाम जो आंसर है वो रटवाया जा रहा था। क्या लगता है नीरज जी कि कहां चूक हो गई कि इतनी बड़ी घटना बिहार में हुई? नीट परीक्षा में शिकायत के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप किया है और ईओयू जो आर्थिक अपराध शाखा है, कोई विपक्ष ने मांग नहीं किया, उसने स्वयं अपना इनिशिएटिव लिया और उसके आधार पर कार्रवाई हो रही है। अब इस मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई चल रही है, केंद्र सरकार सहित विभिन्न लोगों को इस संबंध में नोटिस भी जारी किया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने काउंसिलिंग रोके जाने में असमर्थता व्यक्त की है। अब जो लोग इसकी राजनीतिक आलोचना कर रहे हैं, हम उनसे विनम्रतापूर्वक प्रार्थना करेंगे कि अगर आपको छात्र हित की चिंता है, आपके पास साक्ष्य है, तो सुप्रीम कोर्ट में इंटरवेनर बन जाइए। इंटरवेनर बनिएगा तो उन बच्चों का भला होगा। अब मामला जब सर्वोच्च न्यायालय में है, इस पर कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं।